सवाल आता है कि चाइना एक ऐसी कंट्री जिसके पास ताइवान के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा ग्राउंड फोर्सेस, 8 टाइम्स नेवल डिस्ट्रॉयर्स और 30 टाइम्स ज्यादा सबमरीन्स मौजूद होने के बावजूद उसने अभी तक ताइवान में इन्वेजन क्यों नहीं किया। और इसका सबसे बड़ा रीजन है ताइवान के पावरफुल एलाइज जिसमें यूएसए भी शामिल है। दूसरा रीजन है ताइवान के पास मौजूद जियोग्राफिकल एडवांटेज। स्ट्रेट ऑफ ताइवान जो 180 किलोमीटर वाइड और 128 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट है फ्रॉम द नैरोएस्ट पॉइंट, मतलब चाइना को इन्वेजन करने के लिए एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस कवर करना होगा। क्योंकि ये दोनों कंट्री सेपरेटेड हैं बाय अ सी, तो चाइना को अपनी फोर्सेस नेवल रूट के थ्रू ही डिप्लॉय करनी होगी, जिसके कारण ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट काफी स्लो होगा और साथ ही वल्नरेबल होगा फ्रॉम एडवांस्ड एंटीशिप एंड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ ताइवान। इवन अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता भी है तो भी चाइना में मौजूद इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड सिटीज एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, जिसके कारण चाइना को इन्वेडेड रीजन पर कंट्रोल बनाए रखने में काफी प्रॉब्लम आएगी।